हेलो वर्कर्स वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो और ये रीडिंग है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ दिसंबर से लेके 4th फोर्थ ऑफ जनवरी तक की तो चलिए देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में मैसेजेस फॉर वर्कर्स Weaver of Visions, Seeker of Boons, Weaver of Spells, Nine of Boons, and Ace of Challenges. Okay. So, Virgo, we have Ace of Challenges. Hai. Lata hai, aap kisi ke silence se bohosa la parishan hai. Ye person, shadow logo me se hai, jo bina kisi explanation. आपको यू ही छोड़ के चला गया आई I मीन mean, आपको अभी एटलीस्ट ऐसा लग रहा हो सकता है ये पर्सन जैसा दिख रहा था वैसा ये पर्सन था नहीं आपको इस पॉइंट पे जरूर ऐसा लग सकता है बिक सीकर ऑफ बोन्स है यहां पे। सो so, मे जब ये पर्सन आपसे मिला था तो ये रिलेशनशिप बहुत एक्साइटिंग था और सारी चीजें परफेक्ट लग रही थी बट जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते गए इस पर्सन के लिए इस रिलेशनशिप में रुकना मुश्किल हो गया नाउ चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ही चैलेंज आया हो कोई छोटी सी भी चीज इस पर्सन को बहुत इजीली परेशान कर देती है और इनका पेशेंस और सहन शक्ति दोनों ही कम है एंड इसलिए इस पर्सन को लगा कि शायद वो और कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे एंड दूसरी तरफ ये एक्सेप्ट करने के लिए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे जो स्ट्रेंथ चाहिए वो तो इस पर्सन से और भी ज्यादा दूर है आई I मीन mean, इस पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें या आपसे क्लियरली कहे जो कहना चाहते हैं इसलिए इस पर्सन ने साइलेंस का रास्ता पकड़ा पर्सन को लगा कि चुप रहना सबसे अच्छा है उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देना पड़ेगा कोई कन्फन्ट्रेशन भी नहीं होगा कुछ भी आप पूछेंगे नहीं और वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं अगर उन्हें कल को जरूरत पड़ी तो वो वापस भी आ सकते हैं ये पर्सन उन लोगों में से है जो चीजें इजीली पाना चाहता है एंड ऐसा पहली बार नहीं हो रहा इनकी लाइफ में अक्सर होता आया है जो भी चीज इन्हें इजीली मिल जाती है वो ये ले लेते हैं अगर नहीं मिलती है तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट उनका बहुत पुराना मेथड है किसी भी पर्सन को ऐसा फील कराने का जैसे कि वो उन्हें हर्ट कर रहे हैं मतलब कोई भी पर्सन उन्हें हर्ट करे वो ऐसा फील करवाना चाहते हैं लाइक like, वो इस साइलेंस से आपको ये फील कराना चाहते हैं कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं एंड आपको कुछ सुधारने की ज़रूरत है एक तरीके से गिल्टी फील कराने की कोशिश ये इनका एक टॉक्सिक ट्रेट हो सकता है ये इनका एक मैनिपुलेटिव ट्रेट हो सकता है जिसके कारण ये पर्सन इस तरीके से साइलेंट है और इन्हें लग रहा है कि चीजें ऐसे वर्क करेंगी बिकॉज अदरवाइज तो मैं यहाँ पे नाइन ऑफ बोन्स देख रही हूं तो अगर आप सोच रहे हैं वर्गो की क्या हुआ क्यों ये पर्सन इस तरीके से एक्ट कर रहा है और आ, क्या गलती हुई है आपसे कहाँ Uh, कोई कमी रह गई या कुछ मिसिंग हो गया जिस वजह से ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये पर्सन नाइन ऑफ बोन्स के साथ ये जानता है कि आपको पाना ब्लेसिंग है वर्गो एंड uh, आप बहुत परफेक्ट हैं बट देन इस पर्सन को ऑलरेडी ये नजर आ रहा है कि अगर अब आप दोनों और आगे बढ़ते हैं तो एक रियल कमिटमेंट उन्हें देना पड़ेगा रियल कमिटमेंट का मतलब होगा कि कुछ चैलेंजेस पे उन्हें फाइनली वर्क करना पड़ेगा कुछ डर जो उनके मन के अंदर बैठे हैं उन्हें उसे फेस करना पड़ेगा एंड um, चीजें थोड़ी टफ होंगी तो जैसे ही चीजें थोड़ी टफ होने लगती है ये पर्सन अक्सर घबरा जाता है और अपना पेशेंस लूज कर देता है और ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही उन चीजों को हैंडल कर लेंगे ओके okay? इस रिलेशनशिप को ये कंटिन्यू करना चाहते हैं बट एट द सेम टाइम उम्मीद ये है कि अदर पर्सन सब कुछ हैंडल कर ले और उन्हें कुछ भी ना करना पड़े और ये चीज इस रिलेशनशिप को और कॉम्प्लिकेटेड बना रही है ये पर्सन ज्यादा कुछ सोच नहीं रहा और ना ही आपकी कोई गलती है वर्गो इस पॉइंट पे बस इन्हें लगता है कि अगर वो किसी तरीके से आपको पुश करें या किसी तरीके से आपको ये फील करा जैसे कि आपको ही एफर्ट करना चाहिए ये सब कुछ आप ही पे डिपेंड करता है तो चीजें आसान हो जाएंगी वीवर ऑफ वर्कआउट ये पर्सन सपना तो बहुत सारा बहुत सारे सपने देख रहा है इन्हें लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी भी पॉसिबल है ये पर्सन उन लोगों में से है जो डे ड्रीमिंग कर रहा है बैठकर अपने घर पे या जहां भी वो रहते हैं इस वक्त एंड उन्हें लगता है कि वो बैठे बैठे ही सारी चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे और सब कुछ बहुत ईजी होगा तो ये पर्सन एक तरीके से सब कुछ अपने नसीब पे और आप, आपके ऊपर डालकर बैठा हुआ है उन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं या कुछ भी चेंज लाने की जरूरत नहीं अपने अंदर हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या इयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और आ, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गोस नाइन ऑफ वर्जन्स चाइल्ड ऑफ बोन्स टेन ऑफ स्पेल्स एंड नाइन ऑफ चैलेंजेस ओके तो हमारे पास है नाइन ऑफ वर्जन नाइन ऑफ वर्जन के साथ आजकल ये पर्सन रिकनसिलियेशन मैनिफेस्ट कर रहा है उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप अभी भी वर्क कर सकता है आपके भरोसे एंड यूनिवर्स के भरोसे उन्हें लगता नहीं कि उन्हें कुछ ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत है बिकॉज नाइन ऑफ चैलेंजेस के साथ अगर आप देखें तो ये पर्सन छुपा हुआ है ये पर्सन रेडी ही नहीं है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए इस वीक में तो नहीं कम से कम और आसपास अगर आप ये जंगल देखें तो ये जंगल बहुत डार्क है डरावना है और काफी इस पर्सन को इनसिक्योर बना रहा है तो जो भी चैलेंजेस इस वक्त आपके रिलेशनशिप में है चाहे वो एक दूसरे के पेरेंट्स से बात करना हो या सोशल uh, मीडिया पे इसे अपडेट करना हो या एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस होना हो बिकॉज मैं थेन ऑफ स्पेल्स देख रही हूं यहाँ पे तो कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप एक दूसरे के सर्कल के और क्लोज जा रहे हैं ये पर्सन उन सारी चीजों से बहुत डर रहा है ओके okay? इन्हें लगता है कि वो आपकी और दूसरों की एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाएंगे ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहा और यही बात इस पर्सन को इनसिक्योर भी बना रही है उन्हें लगता है कि चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है और उनके पास टाइम नहीं है संभलने के लिए इनफैक्ट मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी चीजों को संभालने के लिए रेडी ही नहीं है उनका मन ही नहीं है कि वो चीजों को हैंडल करें और इसी वजह से इस पर्सन को ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एंड आपको भी ये पर्सन बहुत स्ट्रेंज लग सकता है सो so, इन्हें लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि वो साइलेंट रहे और चीजों को डिले कर दें और इससे यह भी हो सकता है कि जो भी चीजें हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाए आप खुद ही एफर्ट करके उन चीजों का सोल्यूशन निकाल लें यहां पर हमारे पास है चाइल्ड ऑफ बोन्स चाइल्ड ऑफ बोन्स के साथ इस पर्सन को लगता है जैसे कि आ, उनके पास वो है जो उन्हें चाहिए उन्हें फाइनली वो चीजें मिल गई बट अब वो उन चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं बिकॉज़ फोर ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन किसी और ही दुनिया में है मतलब ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहा कि रियलिटी क्या है ओके okay? लव का मतलब इनके लिए हमेशा से सिर्फ और सिर्फ रोमांस और एक्साइटमेंट था उन्होंने कभी भी इसके साथ आने वाले चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचा एंड यही वजह है कि जो ये चाहते थे जैसा पर्सन ये चाहते थे वैसा उनके पास होने पे भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे उन्हें लग रहा है कि लव तो कोई फेरी तेल नहीं है इसमें भी वही चैलेंजेस है जो बाकी सारे रिलेशनशिप या डेली लाइफ में होते हैं तो इसलिए ये पर्सन इन चीजों से भी भागना चाह रहा है क्योंकि वो जो सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड था वो ओवर हो गया है इस पर्सन को लग रहा है कि जो रोमांस उन्हें आपसे मिलना था जो प्यार मिलना था वो मिल चुका है एण्ड अब आगे सिर्फ चैलेंजेस है तो वो इतना एफर्ट क्यों करें यह सब कुछ इस पर्सन के मन में चल रहा हो सकता है इस वीक में चलिए देखते हैं आपके लिए और एक कल मैसेज क्या वर्ग प्ले है वर Play, have fun, celebrate, don't be so serious. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ज्यादा परवाह मत कीजिए इस पर्सन की ओके okay? आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए सेलिब्रेट कीजिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है इस पर्सन को लेके बिकॉज ये पर्सन मेच्योर नहीं है और शायद आपके लाइफ पार्टनर बनने के काबिल भी नहीं ओके okay, तो आपको ऐसे पर्सन को इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं जो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको लेके और श्योर नहीं है तो ये है रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो बाय